हैं कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अमेरिकन गन M777 की दहाड़ सुनाई देने लगी है। इन दिनों अमेरिकन गन M777A2 के एडवांस वर्जन के जो ट्रायल है वो पोखरण फायरिंग रेंज में चल रहे हैं। सचमुच ये ट्रायल भारतीय सेना की मार्ग क्षमता को और मजबूत करेंगे। आने वाले दिनों में इस गन का इंडक्शन होने की संभावना है। इस साल के आखिर तक इस गन का इंडक्शन भारतीय सेना में होने की संभावना है। जो गन के ट्रायल चल रहे हैं उसके मौके पर भारतीय सेना के उच्च अधिकारी के साथ साथ अमेरिकन गन कंपनी जो ये बना रही है, अमेरिकन BAE गन कंपनी सिस्टम है जो इस गन को बनाया है, उसके अधिकारी भी मौजूद है। इसके अलावा महिंद्रा मोटर्स जो भारत में इसकी इस गन कंपनी की पार्टनर्स है, दोनों मिल के इस गन का निर्माण कर रहे हैं। 25 गन जो है वो अमेरिका से लाई जा रही है और बाकी गन जो है वो इंडिया में असेंबल होगी। तो अभी 6 गन जो है वो पोखरण फायरिंग रेंज में पहुंची है। इन 6 गन के ट्रायल पोखरण फायरिंग रेंज में चल रहे हैं। इनको विभिन्न पैरामीटर्स पे जांचा परखा जा रहा है। इसकी फायरिंग कैपेबिलिटी को कई स्तर पे, कई उस पर मानक स्तरों पे देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। 4 किलोमीटर से लेकर इसको 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तक फायर किया जा रहा है। अचूक निशाने साधे जा रहे हैं। इसके गन के गोलों की दहाड़ बम धमाके पोखरण रेंज में इन दिनों सुनाई दे रहे हैं। सचमुच भारतीय सेना के लिए बहुत गौरव की बात है। भारतीय सेना पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना में से है। इसकी मारक क्षमता, फायरिंग कैपेबिलिटी और मजबूत होगी। पाकिस्तान और चीन आने वाली जो जिनसे चुनौतियां मिल रही है उनको ये नेस्ताबूत करेगी। हर तरह से गन जो है अचूक निशाने साधेगी। इसको कहीं भी पहाड़ी इलाकों से लेके कहीं भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, तैनात किया जा सकता है। इसके लिए विशेष तरह के एक जो है कैरी के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसके जरिए इसको कहीं भी ले जा सकता है। हेलीकॉप्टर चिनूक के जरिए भी इसको तैनात किया जा सकता है। खासकर इसे भारत और पाकिस्तान से लगती कई सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इसकी जो बटालियन है अति शीघ्र इंडक्शन की जाएगी, बनाई जाएगी। विमल भाटिया, जैसलमेर।